लौटाने का प्रयास कर रही है और इस प्रयास समय दुनिया भी जानती है कि ये समय भारत का समय है। दुनिया को भी लगता है कि जितनी मजबूत सरकार भारत के लोग बनाएंगे, दुनिया को भी उतनी ही मजबूती मिलेगी। 10 साल में भारत की ये जो साख बढ़ी है, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया के हर देश में हर भारतीय का गौरव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज भारत का सम्मान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये किसके कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है, किसके कारण हुआ है? ये आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं हुआ है, ये सब तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है जिसने दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बजा दिया है। आपने अपने वोट से पहली बार एनडीए की मजबूत सरकार बनाई, मोदी को आशीर्वाद दिया। आज जो दिख रहा है ना, वो आपके उस वोट का परिणाम है। आज भी इतनी विशाल संख्या में आप यहां आए हैं। मैं देख रहा हूं जितने लोग यहां हैं, उससे ज्यादा बाहर धूप में दिख रहे हैं मुझे। ये इस बात का प्रमाण है कि मुंगेर, बेगूसराय और खगड़िया भी एक स्वर से कह रहा है, फिर एक बार। भाइयों और बहनों, लालटेन वाले उस अंधकार युग में जो जंगल राज चलता था, उसको मुंगेर ने सबसे अधिक सहा है। पहले हर कोई यहां से पलायन के बारे में ही सोचता था, लेकिन नीतीश जी, जेडीयू, बीजेपी, इनके नेतृत्व में एनडीए सरकार ने लालटेन के उस अंधेरे से बिहार को बाहर निकाला है। बड़ी मेहनत करके बिहार को बाहर निकाला है। अब जब भारत तेजी से विकसित हो रहा है, तो बिहार के तेज विकास का भी यही समय है। साथियों, आज हम देश में वंदे भारत, अमृत भारत और बुलेट ट्रेन जैसी नई ट्रेनें चला रहे हैं। ये सिर्फ आधुनिक सुविधाएं भर नहीं है,
आज हम पटरी से लेकर ट्रेन के इंजन और डिब्बे तक भारत में ही बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हम दुनिया के और देशों में, विदेशों में भी बेच रहे हैं। इससे आने वाले समय में बिहार के रेल कारखानों को भी बहुत लाभ होने वाला है। हम भारत को दलहन और तिलहन में भी आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर चले हैं। इसके लिए आने वाले 5 साल में मिशन मोड पर काम होगा। ऐसे में दलहन के कटोरे के रूप में इस क्षेत्र के किसानों की भूमिका और बड़ी होने जा रही है। साथियों, आज बिहार में इस चुनावी जंग में जो लड़ाई चल रही है, एक तरफ एनडीए का मॉडल है, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन का मॉडल है। इंडी गठबंधन का मॉडल है तुष्टीकरण, अपीजमेंट, जबकि हमारा मॉडल है संतुष्टीकरण। हर एक को संतुष्ट करना, कोई छूट न जाए, जिसके हक का है उसको उसका हक मिलना चाहिए। हमने माताओं बहनों को टॉयलेट, गैस, बिजली, पानी का सुविधा दी। हमने मुफ्त राशन और मुफ्त इलाज की गारंटी दी और कभी किसी को ये नहीं पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम मंदिर जाते हो कि मस्जिद जाते हो, तुम्हारी जात क्या है। हमने तो कहा, जो इसका हकदार है उनको सबको मिलेगा, और यही सच्चा सेक्युलरिज्म है, यही सच्चा सामाजिक न्याय है।